Yeah, I had a great time. मुनव्वर आपको भी पपियाँ कम नहीं मिली. हाँ. लेकिन yes. आप जो हैं ये हमारी जेल के क्विंटेसेंशियल लव बॉय बन चुके हैं. काफी लड़कियां जो हैं वो आपके प्यार में पागल हैं. कहाँ कहाँ छुपाऊं मैं ये हुसन. लेकिन बाहर जो सोशल मीडिया पे है हाँ. कुछ और ही सर्कुलेट हो रहा है. हाँ. हम जैसा आपसे पूछना चाहते हैं क्या वो सच है या झूठ है. क्या कुछ ऐसी बातें जो आप बताते नहीं है शायद, या तो हाँ. हो सकता है अफवाहें हो, बिकॉज सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाहें भी बहुत होती जी. हैं. सोशल मीडिया से कुछ ऐसी हाँ. चीजें लगी हैं हाँ. जो हम दिखाएंगे और आप बता सकते हैं कि अगर झूठ हाँ. है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज ऑल र्यूमर. यस ओके दिखाइए. क्या ये पिक्चर इज सर्विंग इन सोशल मीडिया इफ मुनव्वर फारूकी विद अ. Does anyone have idea how are they related with sister, each other? Sister. Okay. Yeah, I want to say. मैं बात करूँगा. Yes, this is something I don't want to talk about on social media or platform like this. So yeah, this is something I don't want to talk about. But it is you. Yes, yes, yes. It is me. That's why. And we don't stay. That's fine. I respect that. Yes, yes. You don't want to talk about it. I respect that. Yeah. लेकिन वन हैज टू अंडरस्टैंड एंड ऑल द गर्ल्स वुड अग्री हियर के ये जो मैरिड मैन का चार्म है हाँ. ये एवरी गर्ल एट एनी सम पॉइंट इन हर लाइफ हैज फॉलन फॉर इट. और उसमें जो है ये जो आई पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मैरिड मैन का जो, और मैं आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे बता दे आर डोमेस्टिकेटेड. Yeah, they are completely, you know, understanding and they have that aura about them that, you know, they are responsible or what, जो भी है. लेकिन वो जो एक कहानी बना के रखते हैं ना, अरे यार मैं तो फंस गया और मैं तो तुम ही हो जो मुझे बचाओगी. एंड यू नो सेम स्टोरी वाइफ को एंड सेम स्टोरी. No, it's not like that. It's not a same story. It's like. मुनव्वर मैं आपके बारे में बात कर ही नहीं रही. Okay. हाँ समझ गया. मैं आपके बारे में बात कर ही नहीं रही. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ. बहुत सारी लड़कियां रिलेट कर रही हैं जो देख भी रही होंगी कि इस तरह से, खासकर जब आप बहुत यंग होते हो. मेरे साथ तो ऑफकोर्स ये चीज काफी बड़ा स्कैंडल भी बन गई थी. तो आपको ऐसा लगता है कि आपको उनकी बीवी से आप ही को उनको बचाना पड़ेगा, ऐसा फील आता है आपको. और उनकी जो बीवी की कहानी सुन लो तो मतलब आपके कानों से खून निकलने लग जाएंगे. तो यार ये जो है, बट अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एट ऑल. फॉर मी लाइक आपकी जो लाइफ है, जिस तरह की भी आपकी चीजों को लेके यहाँ पे भी एक मर्यादा है. मैं नहीं कहूंगी कि आपने वो कभी भी क्रॉस की है. और यहाँ पे यू कम टू प्ले अ गेम एंड यू आर प्लेइंग अ गेम. एंड यस, जो भी आपके साथ में इंट्रैक्शंस आप कर रहे हैं लोगों के साथ में, इट्स गुड एंड व्हाई नॉट, व्हाटएवर इट टेक्स यू शुड डू. बट एट द सेम टाइम दिस लॉकअप ये ऐसी जगह है जहां पे हम इसी तरह के अनकंफर्टेबल जो चीजें हैं, अनकंफर्टेबल जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस करते हैं. जो ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो हो सकता है दुनिया में लोग ना डिस्कस करें और ऐसा लगे कि दिस इज समथिंग लाइक आई टोल्ड यू अबाउट माय एक्सपीरियंस अबाउट माय लाइफ. यू नो आई एम ओपन एंड आई पर्सनली फील हाँ, अगर हमसे गलती हुई है और अगर हम कहीं कुछ एक दूसरे के साथ में डिस्कस करके, शेयर करके हम लोग ग्रो कर सके, लर्न कर सके, देन दिस इज द बेस्ट वे टू बी. एंड ऑल्सो मैरिज हर एक की, दिस इज वन आस्पेक्ट, लेकिन सच में हर एक की शादी की अपनी एक सच्चाई होती है. शादी की एक सच्चाई होती है. आप कई बार प्यार में पड़ते हैं और आपको लगता है कि यू आर, मतलब यू हैव ग्रोन आउट ऑफ इट. आप 15 साल की उम्र में प्यार करेंगे, 16 साल की उम्र में शादी करेंगे, तो बाय द टाइम यू आर 30-35 आपको लगता है कि यू नो दिस आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. सो ऑल दिस, आप किसी को जज नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में. आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हाँ ये शादीशुदा है सो दिस कम्स इन दिस बॉक्स, और ये सिंगल है तो दे कम इन दैट बॉक्स. कई बार बिना शादी के वो कमिटमेंट कैसी होती है, और कई बार शादी के साथ भी आपको लगता है कि इट वॉज जस्ट दैट मोमेंट, बट आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दिस रिलेशनशिप. सो हम आपको किसी तरह से जज नहीं कर रहे हैं. और सोशल मीडिया पे ये जो चर्चाएं हो रही है वो तो होगी ही होगी, बिकॉज जितना आप जिंदगी में आगे जाएंगे, जितना आप ऊंचे जाएंगे, उतना ही लोग और खुदाई भी करेंगे नीचे कि कहां से ये चीजें आ रही है और कहां जाएंगी. पर ये अत्याचारी जेल है,
और आप भी यहाँ पे अत्याचारों से बच नहीं सकते और पब्लिक स्क्रूटनी से बच नहीं सकते ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छुपाता हूँ, बट उसके अपने अलग रीजंस हैं। मैं 1.5 साल से अलग रहता हूँ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं। कुछ चीजें अभी जा रही है, कोर्ट की चीजें होती है वो, तो आई जस्ट डोंट वॉन्ट के मैं वो सब चीजें डिस्कस करूँ एक प्लेटफॉर्म पे लॉकअप जैसे, और जो लोग आसपास है, जो लोग है जानते हैं उनको पता है, बट इट्स गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, so we are not discussing anything about it. So, but Munawwar, at the same time, like I said, अगर आप अपने आप को पूरा खुल के आएंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि yes, ये सबके साथ होता है, अगर आप मुझे मुझे पूछेंगे कि if I was married to my first boyfriend, what would my life be like, you know, तो कितना अजीब लगता है ना, सोच के भी ये बात कितनी अजीब लगती है। तो like I said, ये बात किसी को कोई यहाँ जज नहीं करेगा, but at the same time, अगर आप सिर्फ सरफेस पे ही रह जाएं, अगर ये शो आपके अंदर के सारे जो भी है लेयर्स ना निकाल के लाए, और अगर आप यू वांट टू बी द राइटफुल विनर जो भी आप में से, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस शो के लिए, तो कि आप अपने आप को पूरी तरह से जो है वो रिवील करें ऑडियंसेस के लिए। इसीलिए दिस कैन बी, आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आपका जो है मीडिया में ये स्क्रूटिनी हो रही है, मगर यू कैन टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू कम क्लीन ऑन दिस, यू नो, जैसा आपने कहा, जैसे आपने शेयर किया, आपको हद से ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज यस, अदर पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व, बट एट द सेम टाइम डू यू वॉन्ट समथिंग टू वर्क अगेंस्ट यू, कि ठीक है, यू नो, लाइक दिस इज समथिंग विच यू आर हाइडिंग इन यूर कवरिंग, आर यू द कल्प्रिट, और आर यू लीडिंग यंग गर्ल ऑन, और यू नो, और आपका ऐसा कुछ है, तो इससे क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ हियरसे, सो आई थिंक यू केम क्लीन ऑन इट एंड यू सेड दैट यू आर सेपरेटेड एंड फाइन, लाइक आई सेड, दिस इज एन इंडिविजुअल चॉइस। Thank you it so much. It is an individual choice. So girls, go for him.